अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। छोड़ो मुझे प्लीज। अरे रुकना, सुन तो। देखिए मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप लोग मेरे साथ ऐसी तरह से बात नहीं कर सकते। जाने मान, थोड़ी देर रुक के जाएगी तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ काम करने आई, आप लोग। अरे जिस घर तू काम करने आई है वो घर मेरा, और आगे चल के इस घर का मालिक मैं बनने वाला हूँ। मेरी तरफ से आज इसकी छुट्टी, और पगार नहीं काटूंगा। ओए आ जाओ, एक एक शॉट हो जाए। मैडम जबरदस्ती करने पे मत लगाइए, मान जाइए ना। थोड़ा रुक जाओ, मजे ले रहे हैं। ओए मेरी मदद कीजिए। आज की पार्टी तू कभी नहीं भूलेगी, पैसे भी मिलेंगे और मजे भी। पापा इस लड़की की मदद कैसे करूं? आ गया यार, कोई दिख तो नहीं रहा। छोड़ो चलो। बच
बच्चे को ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या? यार आराधना कहाँ चली गई? आराधना, आवाज से डर लग रहा है ना, इससे डर नहीं लग रहा अभी, ठीक है? यार आराधना बच्चे को ऐसे छोड़ के कहां चली गई? एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। तुम अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे थे? हम तुम्हें यहां सबसे मिलवाना चाह रहे थे और तुम गॉड, तुमने ट्रिक दी। सर दिवाली पार्टी, थोड़ी पी भी ली तो क्या हो गया? और ये तुम ये बात कब समझोगे कि अब तुम एक नॉर्मल बच्चे नहीं? अगले हफ्ते माधव तुम्हें लीगली अडॉप्ट करने वाला है। तुम्हारे नाम के पीछे भारद्वाज परिवार का सरनेम लगेगा। सारे प्रॉपर्टी के इकलौते वारिस बनोगे तुम। हम यहां तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और तुम होगे? अरे यह पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं और हमारे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। और आज इस पार्टी में तुम्हारे अडॉप्शन का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। उसके बाद लोग तुमसे मिलना चाहेंगे, तुम्हारे कॉन्टैक्ट में रहना चाहेंगे और तुम इस घर से बाहर शराब के नशे में पार्टी कर रहे हो। यूज़लेस कहेंगे। सुनो, अनाउंसमेंट से पहले हम तुम्हें सबसे मिलवाना चाह रहे हैं। सबके सामने ठीक से बिहेव करना। चलो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरा बेटा आर्यन। मोनिका जी, ये बाहर भारद्वाज जी है ना? माधव जी को हमने पिछले एक साल से नहीं देखा और ये बच्चा किसका है उनकी गोद में? देख रहे हैं आप? मुझे लगता है दिवाली के दिन मेरी जुबान काली हो गई है। जो बोला था सच हो रहा है, देखिए ना शुशु। चुप रहा करो तुम। साहब जी, आप मेरे बच्चे को आप क्यों खामखा परेशान हुए? मुझे माफ करना, आपको मेरे बच्चे को सुलाना पड़ा। कैसी लापरवाह माँ हो तुम? तुम्हें पता नहीं कि दिवाली के दिन पटाखे और धुएं से बच्चे को दिक्कत होगी और ऐसे ही छोड़ के चली गई? कोई निगरानी भी नहीं रख रहा था उस पर, कम से कम किसी से मदद मांग लेती। क्या करने? ये तो तुम्हारे हाथों में क्या कर रहा है? किसने ये काम दिया तुम्हें? सुनो, मैं
इतने टाइम से यहाँ काम कर रही हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि किसको क्या काम देना है? क्या करवा रही थी इससे? बाहर का काम क्यों दिया? तुम जानती नहीं इसके पास छोटा बच्चा है? अगर काम देना ही था तो घर का काम देती, घर के अंदर का काम देती, ताकि घर के काम के साथ साथ वो बच्चे की देखभाल भी कर सकती। खैर, एक काम करो, अपने बच्चे को पकड़ो और ये मुझे दो। मुझे दीजिए। कल के कल बच्चे को घुमाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करो। जी। मैं पिछले 20 साल से इस घर में काम कर रही हूं, लेकिन आज तक मुझे किसी ने किसी बात के लिए नहीं डांटा। लेकिन आज इस घर की आई हुई लड़की की वजह से मुझे सबके सामने इतना कुछ सुनना पड़ा। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।